तेज की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका सिरसा तेज वेब चैनल में। मैं हूं प्रमोद और वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर याज के साथ इस समय मौजूद हूं। शहर के डबाली रोड पे और अरोड़वंश चौक पे इस समय मौजूद हूं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि आज महाराजा अरूप जयंती पे यहां कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, खास करके अरोड़वंश समाज की ओर से। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि पूरे शहर सिरसा जिला के अरोड़वंश समाज के जो लोग हैं जो वो यहाँ मौजूद हैं, और थोड़ी देर पहले ही हवन यज्ञ किया गया है। अपनी पहचान बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जो समुदाय अपनी पहचान नहीं बनाए रख सकता वो इतिहास में मिट जाया करता है। तो पंजाबी चाहेंगे वही विधायक होगा, ये मेरा मानना है। आपने देखा होगा 1982 में यहाँ से लक्ष्मण दास जी रोड़ा विधायक थे, फतेहाबाद से चौधरी लीला किशन विधायक थे, आगे अमीरचंद मक्कड़ विधायक थे, हंसी से रोहतक से अपने महाजन साहब विधायक थे, हिसार से और बत्रा जी थे, उससे आगे आगे ऐसी चौधरी थे, अपने फरीदाबाद से गुड़गावा से धर्मवीर गाबा थे। एक पूरी लाइन पंजाबियों के पास थी, इसलिए हमें एकजुट होकर रहना चाहिए ताकि हमारी शक्ति बनी रहे। जहां तक अपने विधानसभा क्षेत्रों की बात है, जैसे रानिया है, एलाहाबाद है, डबवाली है, कालावाली है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पंजाबियों के समर्थन से ही वो विधायक जीतेगा जिसका पंजाबी समर्थन करेगी। क्या आपने सोचना है? कोई रोड़ा साहब सारी उम्र बैठे नहीं रहे, कोई सारी उम्र हमने बैठे नहीं रहना। आप लोगों ने सोचना है कि आपने अपना भविष्य कैसे बनाना है, और उज्जवल भविष्य के लिए मैं एक चीज कहूंगा, आपका एकजुट रहना बहुत जरूरी है। जहां तक बात कहते थे अरोड़ा जी के पंजाबी मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। बेशक लक्ष्मण दास जी रोड़ा थे, मंत्री रहे, बेशक मुख्यमंत्री आज खट्टर साहब हैं, या कोई भी राजनीतिक आदमी बड़ा जनता के सर पर होता है, जनता जिसे चाहती है वो मुख्यमंत्री कुर्सी पे बिठाती है और जनता काम भी चाहती है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी के सामने आप धर्मशाला की मांग रखें, तो मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि हम 5 मेंबरी कमेटी जाकर मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि हमें जो स्थान पहले दिया हुआ है, उस वक्त लक्ष्मण दास जी ओड़ा ने मांग की थी, गाड़ी साहब प्रधान थे, इन्होंने जाकर वो बात रखी थी स्थान लेने के लिए। उस वक्त यहां से बाद में काटा साहब विधायक बने और उन्होंने स्थान दिया भी था हुडा साहब ने, परंतु कुछ राजनीतिक, मैं खुले रूप से बोलता हूं, कुछ राजनीतिक अड़चनों की वजह से वो प्रोजेक्ट लटका हुआ है, और हम मांग करेंगे उसी जमीन को अरोड़वंश समुदाय को दिया जाए। अरोड़वंश समुदाय अपने दम पर वहां धर्मशाला बनाएगा, ये मैं आपसे वायदा। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए सिरसा तेज के लिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।